गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एसएसटी सब्जेक्ट। एज यू नो डैट वी आर डिस्कसिंग लेसन नंबर 9 अवेयरनेस एंड वी हैव डन दैट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन 9 अवेयरनेस। यू कैन सी हियर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज फर्स्ट एड। क्वेश्चन नंबर 2, List 5 things that should be kept in a first aid kit. Question number 3, what are the general tips as regards giving first aid? Question number 4, what does touch reveal? Question number 5, how do you come to know about bad touch? What should you do? So, ये आपके question answer हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए fill in the blanks दिया है, जिसको मैंने पहले से fill किया हुआ है। फर्स्ट है, इवन इफ वी डैश एक्सीडेंट्स दे समटाइम डैश। सो आंसर इज इवन इफ वी प्रिवेंट एक्सीडेंट्स दे समटाइम ऑकर। सेकेंड, फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ। थर्ड, इफ द वाउंड ऑफ अ पर्सन इज डैश, तो आंसर इज ब्लीडिंग। इफ द वाउंड ऑफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, पुट अ वैड ऑफ कॉटन एंड प्रेस टाइटली। Fourth, if a person faints, sprinkle water on his face. Fifth, antiseptic lotion can be applied in a case of insect bites and sting. Okay, here is the mass the column. A number is emergency number, आपने पढ़ा है। So one side it is given emergency number and second side answer is given. So you have to match this number with their करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट वन 101, आपको बताना है कि ये कहाँ के एमरजेंसी नंबर है। 101 इज फायर स्टेशन नंबर, 100 इज पुलिस कंट्रोल रूम नंबर, 102 इज एम्बुलेंस नंबर, 1906 इज वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर एंड 190 इज गैस लीकेज नंबर एंड 81 is women's helpline number. I'm repeating it again. Okay, 101 is fire station number, 100 is police control room number, 102 is ambulance number, and 1906 is gas leakage number, and 181 is women helpline number. Okay, so now we are come to the question answer. See this question answer. Lesson 9 awareness. Question number 1, what is first aid? So the answer is, first aid refers to the immediate help given to a victim before the doctor arrives. Okay, first aid refers to the immediate help given to a victim before the doctors arrive. किसी घायल व्यक्ति को जो उपचार, जो ट्रीटमेंट हम किसी डॉक्टर के आने से पहले देते हैं, वो फर्स्ट एड कहलाता है। ओके, List 5 things that list 5 things that should be kept in a first aid kit. Answer is adhesive bandage, antiseptic lotion, cotton balls, painkillers and ointment. Okay, in question है कि किन्हीं 5 चीजों की लिस्ट बनाइए जिन्हें जो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। तो बैंडेज, लोशन, कॉटन बॉल्स, पेन किलर और ऑनमेंट। ओके, हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द जनरल टिप्स एज रिगार्ड गिविंग फर्स्ट एड। व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड, डू नॉट पैनिक, मेक द विक्टिम कंफर्टेबल, डू नॉट अलाउ क्राउड टू गैदर नियर द इंजर्ड पर्सन। जब हम किसी बीमार या घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देते हैं तो उस समय हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें उस समय घबराना नहीं चाहिए, और अपने जो सामने जिसे चोट लगी है या जो बीमार है उसे हम कंफर्टेबल रख सकते हैं। अगर हम खुद भी घबराए रहेंगे तो वो भी हमें देख के घबरा जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि घायल व्यक्ति के आसपास या बीमार व्यक्ति के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा ना करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज टच रिवील।
ठीक है, स्पर्श से हम क्या समझ सकते हैं, क्या वो रिवील करता है, क्या दर्शाता है. टच इज समथिंग दैट रिवील्स अ लॉट अबाउट द इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु टच यू. ठीक है, तो टच या स्पर्श, जिसे हम हिंदी में स्पर्श कहते हैं, छूना कहते हैं, के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की इंटेंशन को, उसकी मनोदशा को, उसके भाव भाव को समझ सकते हैं. ठीक है, उसके छूने के तरीके से हम उसकी मनोदशा को, उसके हाव भाव को, उसके विचारों को समझ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट बैड टच, व्हाट शुड यू डू. हम कैसे जान सकते हैं कि ये बैड टच है. सो आंसर इज, इफ समवन टच यू इन अ वे दैट मेक्स यू फील अनहैप्पी, इट इज अ बैड टच. अगर किसी के छूने के तरीके से आपको अच्छा नहीं लगता, आप बुरा महसूस करते हो, तो इसका मतलब है कि वो एक बैड टच है. ठीक है, सो यू शुड इन्फॉर्म अबाउट इट टू योर एल्डर्स, और आपको इसके बारे में अपने बड़ों को सूचित करना होगा. ठीक है, इसके बारे में कभी भी आप किसी तरह का हेजिटेशन, किसी तरह की शर्मिंदगी ना रखें. अगर आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स को तुरंत से तुरंत इन्फॉर्म करें. Okay, so this is your question. I will give the snapshot of this question and this exercise, like fill in the blanks, match the following, and you just write in your copy in a very neat and good handwriting. Okay?